हेलो गाइस, वेलकम टू गेम मिस्टर्स। और आज के स्टूडियो में फॉलआउट 84 की तरफ से काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। तो गाइस, अभी कुछ देर पहले फॉलआउट 84 की तरफ से एक पोस्ट है जिसमें बताया गया है कि 15 जून को फॉलआउट 84 की तरफ से अपडेट देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपडेट होने वाला है। और अच्छा क्यों होने वाला है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो उसमें जो कुछ नई चीज़ें आने वाली है वो मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को एक नया TDM मैप देखने को मिलने वाला है, जिसके कुछ यहाँ पे फोटोज़ फॉलआउट 84 की तरफ से पोस्ट किए गए थे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और उसके अलावा उसमें आप लोगों को नई लॉटरी चेस्ट देखने को मिलने वाली है, जिसमें आई थिंक डकी की स्किन हो सकती है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और उसके अलावा उसमें काफ़ी सारे और भी स्किन होने वाले हैं। और तीसरी जो नई चीज़ आने वाली है, आप लोगों को यहाँ पर कंट्रोलर सिस्टम देखने को मिलने वाला है, स्टीम यानी कि PC वर्जन वालों के लिए। उसमें कंट्रोलर्स के लिए नई नई सेटिंग देखने को मिलने वाले हैं। और चौथा बड़ा अपडेट ये होने वाला है कि उसमें आप लोगों को 120 FPS तक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा ग्राफिक की सेटिंग्स में। यानी अगर आप लोगों के पास एक अच्छा डिवाइस है और उसमें अच्छा प्रोसेसर के साथ साथ आपका डिस्प्ले 120Hz या उससे ऊपर वाला है, तो आप लोगों को ये सेटिंग देखने को मिल सकती है अभी जो 15 जून को अपडेट आने वाला है। और ये अपडेट लो एंड डिवाइसेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बताया गया कि मिनिमल ग्राफिक्स का भी सेटिंग देखने को मिलेगी, जो कि स्पेशली लो एंड डिवाइसेस वालों के लिए है। मतलब यह कि आप लोगों को लो से नीचे भी एक सेटिंग देखने को मिलेगी मिनिमल की, जो जैसे कि पबजी न्यू स्टेट वगैरह में होता है लाइट ग्राफिक की सेटिंग देखने को मिलती है, तो उसी तरह से इसमें आपको मिनिमल की सेटिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपका लैग काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और आई थिंक ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को यहाँ पे छठे नंबर पे बताया गया कि इसमें रेजोल्यूशन का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग अगर आपका लैग करता है तो रेजोल्यूशन कम कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे और भी अच्छी क्वालिटी में चाहिए ग्राफिक, तो आप लोग रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 1080p या फिर 720p या फिर उससे ऊपर का आप लोग करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे बताया गया कि ऑप्टिमाइज चैट चैनल्स, यानी कि आप लोगों को इसमें चैट का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जैसे कि पहले बीटा के टाइम पर हुआ करता था। तो गाइस, आने वाले अपडेट में आप लोगों को क्या चीज़ पसंद आई, मुझे तो स्पेशली जो लो एंड डिवाइसेस के लिए नई नई ग्राफिक की सेटिंग देखने को मिलने वाली है और जो 120 FPS का सेटिंग देखने को मिलने वाला है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आपको इसमें किस चीज़ का वेट था कमेंट करके ज़रूर से बताएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।